बी एच यू पी एच डी एडमिशन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर थ्रू दिस आर ई टी एग्जामिनेशन सी यू टी और एन टी ए बहुत सारे दिमाग में डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस एग्ज़ामिनेशन स्पेशली फॉर दोस्त जो लोग एग्जाम कैटेगरी से फॉर्म भरें लास्ट टाइम जब मैंने रिसर्च एबिलिटी टेस्ट के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था सो देर आर आर लॉट ऑफ कॉमेंट्स आई हैव ट्राइड टू रिप्लाई ऑल द कॉमेंट्स बट स्टिल फ्यू आर स्टिल लेफ्ट तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि रिसर्च एबिलिटी टेस्ट के अंदर क्या चीज़ आप करोगे तो 50 में से 45 तक स्कोर करके लेके जाओगे एंड उसके बाद हम लेते हैं आपके वीडियो कमेंट्स वन बाय वन बिकॉज सब पे टेक्स्ट करके रिप्लाई करना इज क्वाइट डिफ़िकल्ट बट अगर किसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉमेंट होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता उसको मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ तो चलिए आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है प्लीज़ डोंट स्किप एनी डाउट देन अगेन यू कैन कॉमेंट इट विल बी एंटरटेन एज सूल एज पॉसिबल एन टी ए आर ई टी जिसने भी एग्जामड फॉर्म फिल कर दिया काफ़ी लोगों ने गलत फॉर्म फिल कर दिया मतलब उन्होंने दिया था सी यू ई टी एग्ज़ामिनेशन और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी किया है बट स्टिल उन्होंने जब फॉर्म फिल किया तो वो एग्ज़म्पटेड कैटेगरी का फिल कर दिया मिस्टेक कर दिए हो कोई बात नहीं हो जाएगा रिकवर तो इस बार अभी आप एग्जामिनेशन देने वाले हो कुछ लोग हैं जो रेड का एग्ज़ाम देंगे मतलब जो एन टी ए के अंदर सब्जेक्ट नहीं था उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अब आप कहोगे सर एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट क्या है तो मैं आपको अभी बता दूँ अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई है जो रिसर्च एबिलिटी टेस्ट है टेस्ट बी उसकी डेट आप लोग को सबको पता है फोर्टीन ऑफ जनवरी आप उसकी तैयारी भी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है अपने मेंबर्स जो हैं बहुत ही आ, मैं बोलूँगा शिद्दत से लगे हुए हैं यार और प्रपोज़ल बिल्कुल हम लोग रेड डाल रहे हैं और बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं प्रपोज़ल के अंदर तो जितने भी मेरे मेंबर सुन रहे होंगे जिन्होंने भी रिसेंटली लास्ट पाँच दिन के अंदर इंडिपेंडेंट मेंबरशिप एक्टिवेट की है उनको पता होगा कि मेरा उनसे पर्सनल कम्युनिकेशन होने के बाद ही हम प्रपोज़ल फाइनल कर रहे हैं बिकॉज सी बहुत सारे लूप होल्स हैं वो हम कितना भी डिस्कस करेंगे ना बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इट वेरीज़ फ्रॉम प्रोफाइल टू प्रोफाइल और आपके टॉपिक uh, के ऊपर भी डिपेंड करेगा तो सारे पॉइंट्स आप पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं बट इन जनरल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस जिससे कि सारे लोग अपने प्रपोजल्स को इम्प्रूव कर सको बिकॉज आपका सलेक्शन प्रपोजल पे होना है आपके पास जे भी रखा हुआ है ना और प्रपोजल में आप पीछे रह गए दैट इज़ इज ऑल वेस्ट जे लोग निकलवा देते हैं और उसके बाद अपना सो so कॉल्ड ये कोचिंग वो कोचिंग उसके बाद ये कहानी जीरो बिकॉज नो बडी इज देयर टू गाइड यू ऑन दिस ट्रैक एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ट्रैक विल कंटिन्यू थ्रू आउट योर रिसर्च करियर चलिए हम बात करते हैं रिसर्च एबिलिटी टेस्ट की सो so फोर्टीन को आप इस तरीके से बैठेंगे क्लासरूम में एक कॉमन बी एच यू का हॉल होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए होंगे जिसको भी डाउट हो रहा है स्टिल मेरे को पर्सनली ईमेल करके सेंड कर दो बट डाउट लेके मत चलना बिकॉज इस एग्जामिनेशन में ना आप जे आर एफ क्वालिफाई करके आए हो आप गेट क्वालीफाई करके आए हो आपके पास नेट है मतलब नेशनल एग्जामिनेशन आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो अब ये छोटा सा एग्जामिनेशन है अगर इसमें गलती कर दी देन इट इज़ ऑल वेस्ट जो आपने कॉम्पिटिशन फेस uh, करके यहाँ पहुँचे हो वो सब खराब हो जाएगा सो प्लीज़ बी केयरफुल सारे डाउट खत्म कर देना अब जब इसे एग्जामिनेशन में आप बैठोगे ना सो दे विल गिव यू एन आंसर शीट वो आंसर शीट कितने पेज की होगी किसी को नहीं पता प्रपोजल की वर्ड लिमिट क्या है किसी को नहीं पता एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आपके पास एक आंसर शीट होगी और आपके पास पेन होंगे ब्लू एंड ब्लैक ओनली नो पेंसिल नो इरेजर ब्लू एंड ब्लैक पेन तो ये आप अपना लेके आना बढ़िया से जिससे भी फ्लो बनता होगा भूलना मत और वो पेपर एंड पेन यू हैव नाओ योर टाइम स्टार्ट नाओ अब आप बोलोगे सर वर्ड लिमिट जल्दी करने के चक्कर में न पंद्रह बीस मिनट के अंदर प्रपोजल खत्म मत कर देना रीजन बताता हूं आपने स्पीड से लिखना स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन लिखा फटाफट 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 लिखा पांच दस मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन नेक्स्ट पांच मिनट के अंदर वो पंद्रह फिर मैथोडोलॉजी पांच के अंदर फिर वो थर्टी फाइव मिनट में आप लिख के खुश होकर बैठ गए क्या करोगे एक घंटे से पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल से जाने ही नहीं देंगे यू हैव टू सेट बट अब अगर आपके पास टाइम था यू हैव अ प्लानिंग जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग भी ज्वाइन करो हमको और उसके बाद प्रैक्टिस करो और इसमें टॉप करो तो आपको इतना टाइम देना है एन उस स्पेसिफिक टाइम में ही एक एक सेक्शन को कंप्लीट करना है टाइम दो इंट्रोडक्शन में टाइम दो एम्स में टाइम दो सब चीज़ में टाइम दो बट आपको टाइम पता होना चाहिए कि दिस मच ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू स्पेंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन करेक्ट सो प्लीज़ बी केयरफुल देखो प्रपोजल का फॉर्मेट आपको पता ही है काफी लोग अजीब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या सर इसी फॉर्मेट में लिखना है क्या हम आगे पीछे नहीं लिख सकते यार वाई यू आर आस्किंग सच बेसलेस क्वेश्चन यार आप सबसे पहले क्या इथिकल क्लियरेंस लिख दोगे ना टॉपिक बताओगे ना कुछ एक फ्लो होता है इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू ऑब्जेक्टिवस मैथडोलॉजी प्रपोज्ड रेलिवेंस ऑफ द स्टडी जस्टिफिकेशन इथिकल एक्सेट्रा रेफरेंसेज फाइन सो यही फ्लो फ्लो फॉलो करना है एट ऑल अब देखिए अब एक स्पेसिफिक डोमेन की बात करता हूं लाइक like जो सबसे पहला आप लिखोगे इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सो माई सजेशन इज दैट वंस यू विल गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट यू हैव टू पेन ब्लू एंड ब्लैक राइट विद ब्ल्यू एंड इफ पॉसिबल राइट सम ऑफ द मेजर पॉइंट लाइक एट्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन एटी परसेंट विद द ब्लैक पेन ट्वेंटी प्रिस्क्राइब मेडिसिन ट्वेंटी फाइव परसेंट ब्लैक पेन छोटी सी स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो एम्फेसाइज हो रहा है राइट इड विद द ब्लैक पेन तो आपको ये सेपरेट करेगा लाइक हाउ सिंसियर यू आर यू वॉन्ट टू एम्फेसाइज सम पॉइंट्स थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स, थ्रू डिफरेंट कलर्स यू हैव टू कलर्स यूज इट सिमिलरली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप चाहो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ये कोई भी नहीं बताएगा एंड जितने भी अपने रिसर्च फैमिली मेंबर्स हैं ना जो लोग रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग बहुत ही यूनिक तरीके से प्रपोजल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट अगर आपने वहाँ जा नहीं लिखा सो इट इज़ ऑल वेस्ट आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मेन प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हो ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा और इस सेक्शन के आपको दस में से आठ या नौ नंबर मिलेंगे आई एम टेलिंग यू चलो नेक्स्ट करते हैं लिटरेचर रिव्यू लिटरेचर रिव्यू में आप क्या करो वाइज जाओ 2023 यूएस डिपार्टमेंट हैज रिपोर्टेड दिस 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 लिखो नाम लिखो ब्रैकेट में कर दो नेक्स्ट आओ 2023 के अंदर ये 2022 के अंदर यह चीज आई उसका फाइनल सिग्निफिकेंट पैराडिंग शिफ्ट ब्लैक में कर दो कंज्यूमर लीड मूवमेंट ब्लैक में कर दो उससे आपको पता चला कि उस छोटे से लिटरेचर रिव्यू के अंदर वॉट इज द सिग्निफिकेंस बिकॉज जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है दे नो द हेडिंग, दे नो सब हेडिंग कैन अंडरस्टैंड कि आपने लिटरेचर रिव्यू सही किया है कि नहीं प्लीज बी केयरफुल ये सब छोटी छोटी स्टेप्स हैं इनको करो एम्स ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस ये तो अपने आप में ही टूटे टूटे पार्ट हैं आप इसको आराम से लिख लोगे और डिवाइड जरूर कर लेना हाइपोथेसिस को डिवाइड कर सकते हो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कर देना फाइन अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक सेक्शन है मेथडोलॉजी सेक्शन अब आप बोलोगे सर ये क्या है ये अजीब सा क्या टेबल दिखाई दे रहा है ये क्या है ये क्या हो गया अपने रिसर्च फैमिली मेंबर्स जो हैं जितने भी साइंटिफिक गुरु के चैनल के व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं वो अब क्या करने वाले हैं ध्यान से सुनो आप मेथोडोलॉजी वेरी स्मार्टली लिखोगे जितना टेक्स्ट लिखना है लिख देना जितना टेक्स्ट तैयार किया है कर देना नो no प्रॉब्लम अब उस टेक्स्ट को एक फ्लो चार्ट एक टेबुलर फॉर्म में दिखाने की कोशिश करना लाइक एनवायमेंटल स्कैन फिर इसके अंदर ये आ गया देन प्रिमनरी डेटा कलेक्शन देन एडवाइजरी वोर फील्ड स्टडी हॉस्पिटल टेस्ट ठीक है ये देखो हम ये बनाएंगे हाउस प्रिपरेशन करेंगे प्रो ड्रग करेंगे उसके फ्लेवनॉइड्स निकालेंगे क्लिनिकल स्टडी करेंगे प्री क्लिनिकल स्टडी एरो 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 से आप दिखाते जा रहे हो वाओ व्हाट इज दिस यार इसमें आपको दस में से दस ना मिले ना तो आप मुझे बताना आप प्रॉपर तरीके से दिखा रहे हो सी दिस इज प्योर केमिकल कंपाउंड नेचुरल कंपाउंड ये ऐसे सिर्फ नेम स्क्वायर टॉक्सिसिटी स्टडी स्क्वायर फेज वन स्क्वायर फेज टू फेज थ्री फेज फोर फाइनल ड्रग डेवलपमेंट ड यूनिक और नॉट यार सबसे पहले अब मैं स्टॉप हो जा रहा हूं नीचे कॉमेंट करो सर दिस विल बी वेरी हेल्पफुल एंड आई विल सिक्योर फोर्टी फाइव प्लस मार्क्स आउट ऑफ फिफ्टी यू हैव टू सिक्योर फोर्टी फाइव प्लस आउट ऑफ फिफ्टी पहले आप कॉमेंट करो यस आई विल सिक्योर फोर्टी फाइव प्लस बिकॉज अगर इतना कुछ समझाने के बाद आप 45 स्कोर नहीं करो सो आई सीरियसली इंसिस्ट यू डू नॉट एक्टिवेट योर जे आर एफ आपको बुरा लगेगा बट आई एम सीरियसली टेलिंग यू प्लीज डू नॉट ज्वाइन दिस रिसर्च प्रोग्राम बिकॉज दिस रिसर्च प्रोग्राम इज डे बाई डे गोइंग टू बी वेरी इनोवेटिव तो आपको यार होना पड़ेगा नो अदर ऑप्शन जे आर एफ एक्टिवेट करना है बी इनोवेटिव विद आर रिसर्च फैमिली करेक्ट चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट है एथिकल कॉन्सिडरेशन इम्प्लीकेशन, जस्टिफिकेशन रेलिवेंस सी दिस इज एज क्लियर एज दैट अगर आपके में इथिकल कंसिडरेशन है तो पॉइंट लिखो सपोज आप पेशेंट्स पे काम करोगे तो इन्फॉर्मड कंसेंट कॉन्फिडेंशलिटी स्टेटमेंट अवॉयडेंस ऑफ हार्म जस्टिस इन फेयरनेस इंप्लीकेशन ऑफ द स्टडी हो गई क्या सोशल इंपैक्ट पड़ेगा क्या प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन या फिर कोई लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस इसी तरीके से रिसर्च गैप है रिसर्च क्वेश्चन है उसको पूरा करोगे रेलिवेंस ऑफ द स्टडी कुछ है कि नहीं है ये सारी चीजें पॉइंट वाइज पॉइंट लिखोगे दैट्स इट अब मैं कुछ क्वेश्चंस को देखता हूँ जो आप लोगों ने पूछे थे और अभी भी आपको डाउट है तो मैं चाहता हूँ कि उसको जल्दी से क्लियर करूँ अदरवाइज आप लोग कन्फ्यूज रहोगे सो दिस इज दैट वीडियो लाइक द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रिसर्च एबिलिटी टेस्ट एंड योर कॉमेंट्स आर दिस थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस ओके फाइन आई बिलोंग्स टू द केमिस्ट्री उन्होंने टॉपिक के ऊपर पूछा है दैट इज कम्प्लीटली फाइन रेलिवेंट मैं रिलेटेड टू द प्रपोजल आता हूं फाइन वट अबाउट द इंटरव्यू कब होगा सेम डे होगा नो सेम डे इंटरव्यू नहीं होगा दिस इज एन एंट्रेंस और स्क्रीन एग्जामिनेशन सो पहले एग्जामिनेशन होगा देन आपको अपडेट आएगा ओके okay. अब इन्होंने पूछा है क्यू आई पी ए आई सी टी फ्रॉम आई आई टी आई है सर्टिफिकेशन कोर्स आई एम एलिजिबल अंडर एग्जाम्पेड कैटेगरी यार अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अब ये चीज आप क्यों पूछ रहे हो फॉर्म फिल हो चुका है अगर आपने फिल किया है देन ओनली इट विल बी यूजफुल इंटरव्यू कंडक्टेड ऑन द सेम डे नो चलो और मैं आता हूँ बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स थे हाई एनीबडी कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरव्यू डेट्स अगेन सबको यही प्रॉब्लम है कैन यू प्लीज़ हेल्प मी इन प्रिपेयरिंग दिस इज लाइक सम वॉट डिफरेंट उसके बाद है सर इसका वीडियो क्या इस चैनल में आई डोंट नो इंटरव्यू की डेट्स इंटरव्यू की डेट्स इंटरव्यू की डेट्स सारे लोग इंटरव्यू की डेट्स और व्हाट शुड बी डू विद द इंटेक्स साइटेशन इंटेक्स साइटेशन की कोई जरूरत नहीं है लिव इट एज इट इज प्रपोजल गाइडेंस सोर्स ऑफ डेटा पे वीडियो बनाई देखिए सोर्स ऑफ डेटा ऑलरेडी बताया है मैथडॉलॉजी इज योर सोर्स ऑफ डेटा सो बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए सर कितने वर्ड होने चाहिए देखिए एक पॉइंट के अंदर ऐसा मत पूछिए लिमिटेशन वर्ड का नहीं है लिमिटेशन टाइम का है मैंने बोला तो आप स्पेसिफिकली सोचो और अपना प्रपोजल फाइनलाइज करो और लिखना स्टार्ट कर दो जो एक घंटे के अंदर लिख पाओ इंटरव्यू 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 सारे लोग इंटरव्यू के लिए ही परेशान हैं टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा नहीं जे में कितना मिलेगा भाई जे में जितना मिलता है उतना ही मिलेगा सबको एन टी ए स्टूडेंट कैन गिव दिस टेस्ट हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था सब लोग को कन्फ्यूजन है जिन्होंने एन टी ए दिया है वो क्यों देंगे ये टेस्ट वो ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे चुके उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा दिस इज़ फॉर एग्जाम्पटिड कैटेगरी तो आप एग्जाम्पिड कैटेगरी से नहीं हो तो एन टी ए वालों को ये टेस्ट नहीं देना है फाइन चलो मैग्जिम यही क्वेश्चन है बाकी सब रिसर्च प्रपोजल से हैं इन लोगों ने सब मेम्बरशिप भी ले ली है और ये रेगुलर मुझे मेल भी कर रहे हैं

इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने डाला था प्रपोजल के बारे में तो लिटरेचर रिव्यू मैं आपको करके दिखाऊंगा पॉसिबली टुमारो आई आई अपलोड बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो लिटरेचर रिव्यू आपके समझ में आ जाए सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं एक एग्जाम्पल लूँगा और एक लिटरेचर रिव्यू बना के दिखाऊँगा सो थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाय टेक केयर डोंट फॉगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन तैयारी अच्छे से करो सब कुछ होगा हंड्रेड परसेंट होगा नो बडी कैन स्टॉप यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में